असला बच्चों यहाँ पे हम जो है वो अब इस वक्त जो है पोर्शन यानी कि फंक्शन ऑफ किडनी की तरफ जा रहे हैं और एक मैंने वीडियो आपको पहले भी भेज दी है और ये मैं एक डिफरेंट आपको तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ होपफुली समझ आ जा जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास ये किडनी का स्ट्रक्चर है और यानी वो पार्ट्स हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर हैं ठीक है बोमन कैप्सूल है पार्ट है 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 डिस्टल ठीक सारे पोर्शन यानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अब हमारे पास जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड फिल्ट्रेशन ब्लड फिल्ट्रेशन बेटे तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है यानी तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन सेवेशन और थर्ड इज ट्यूबुलर सेक्रीशन तीन हिस्सों में यानी कि हमने इसको क्या किया हुआ डिवाइड किया हुआ ठीक है और अब इसमें होगा क्या हम स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरह से जो है ये फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड जो है वो यहाँ पर एंटर होगा ठीक है मैं यहाँ से एक हाईलाइटर भी पकड़ लेती हूँ ताकि आपको साथ साथ ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए ओके okay. तो बेटे ब्लड जो है वो यहाँ से एंटर होगा कौन से पार्ट में ये एंटर होगा आपको पता है कि आ, फिल्ट्रेशन के लिए एंटर होता है और कहाँ पे बॉमेन कपसूल के पोर्शन में और ग्लोमलस पार्ट में जो है वो एंटर होगा नेटवर्क ऑफ कैप्लरीज में सबसे पहले ये रेड पोर्शन में एंटर होगा कैप्लरीज होती है और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा अब कैप्लरीज है ना तो कैप्लरीज के वॉल पे प्रेशर अप्लाई होगा अब जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो कुछ चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी यहाँ से ठीक है अब वो चीजें कौन कौन सी हैं जिन्होंने फिल्टर होना है ठीक है यहाँ पे फिल्ट्रेशन में कौन कौन सा मटेरियल होता है वाटर सॉल्ट एंड यूरिया ये चीजें फिल्ट्रेट यानी ये फिल्टर आउट हो जाती है यहाँ से ठीक है ये हमारे पास फिल्ट्रेट मटेरियल हो जाएगा अब बाकी जो मटेरियल है सॉरी वो क्या हो जाएगा वापस चला जाएगा ठीक है अब ये तमाम मटेरियल मिलकर एक लिक्विड या एक फिल्ट्रेट बता, बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लुरुमिलस फिल्ट्रेट फिल्टरेट फिल्ट्रेट क्योंकि ग्लोमर पोर्शन ने इसको फिल्टर किया है तो इसलिए ग्लोमलस फिल्ट्रेट मटेरियल ठीक है बात समझ रहे हैं ग्लोमलस फिल्ट्रेट इसको क्यों कहा गया अब ये मटेरियल यहां से ये वाले रीजन से जिसका नाम है

ठीक है सेकेंड अब हम पोर्शन की तरफ आते हैं पहला अगर आपको क्लियर हो गया हो ठीक है ये पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है सिलेक्टिव रिओब्जॉर्प्शन होनी है प्रोक्सिमल कन्वलियोटेड पोर्शन में किन चीजों की वाटर ग्लूकोज और साल्ट की अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लाइक करता है कि इन मटेरियल की रिओब्जॉर्प्शन क्यों होती है क्योंकि हमारे पास जो नेफरन है वो आपको पता है कि उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद है ठीक है ठीक है यहाँ पे सारा पोर्शन जो है ये वाला यहाँ पे आ, आप अगर एक स्ट्रक्चर को आ, जो है वो क्या कहते हैं उसको आ, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे सारी आ, थोड़ी सी मैं ड्रॉ करने की जरा कोशिश करती हूँ ये यहाँ पे सारी क्या है आपको पता है कि ये वाले सारे जो पोर्स हैं यहाँ पर क्या है कैपलरीज हैं और ये कैपलरीज जो है इनका फंक्शन है ये हेल्प आउट करती है किस चीज में दोबारा से इन तमाम मटेरियल की रीअब्जॉर्बशन में ठीक है तमाम मटेरियल जो है वो वापस इन कैपलरीज के जरिए ब्लड में जो है वो एंटर हो जाता है अब ये जो मटेरियल है ये सेलेक्टिवली इसकी रिअब्जॉर्बशन होगी कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ कैपलरीज जो है वो इसको वापस ले आती हैं अब ये वाटर जो है वाटर ऑस्मोसिस के जरिए इसमें एंटर होगा

ठीक है यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं है इन तमाम चीजों की वाटर ग्लूकोज और जो है सॉल्टरीज की मदद से पोर्शन में प्रॉक्सिमल यहाँ से ये यह कहा के आगे फर्दर दो, दो जो है आगे इसकी पोर्शन है डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप ठीक है नाम से जाहिर है कि ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग है और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज डिसेंडिंग ठीक है दो हमारे पास लूप्स हैं अब इन दोनों का फंक्शन क्या है जो डिसेंडिंग लूप है वो क्या करती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और असेंडिंग लूप जो है वो सोडियम क्लोराइड को रिब्जॉर्ब uh, करवाएगी बात समझ आई है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है अच्छा से नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है, है किस चीज की वाटर की वाटर यहाँ पे रिब्सॉर्ब करेगा ट्यूबुलर सिक्रीशन ठीक है फिल्ट्रेट <coughs> जब निकल आता है ये तमाम चीजें जब फिल्ट्रेट मटेरियल से निकल जाती हैं तो आपको पता है कि जो ब्लड है उसकी जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है नॉर्मल जो ब्लड की पीएच है हमारे पास वो सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव होती है ठीक है अब इसकी जो यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन का जो फंक्शन है या ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों होती है नेफ्रॉन में ताकि ब्लड की पीएच को डिफरेंट आयंस की हेल्प से जो है वो मेंटेन किया जाए और वो कौन कौन से क्रिटिनिन और यूरिया जो है यहाँ पर है, ठीक है

ब्लड से वापस आ जाएंगी एब्जॉर्ब uh, हो जाएंगी किसमें ग्लोमलस फिल्ट्रेट में एंटर हो जाएंगी क्योंकि ये वाले जो मटेरियल हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे पीएच को मेंटेन करने के लिए तो इसलिए ये वापस इनकी रेब्सॉप्शन हुई है ठीक है और इनकी रेब्जॉर्पन के बाद ये तमाम मटेरियल ये मटेरियल आता कहाँ पे है uh, ये आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास ठीक है और ये वाला पोर्शन आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है ठीक है सारा मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में आएगा जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा तो यहां से Uh, आपको एक चीज जो है वो मैं आपको बता दूं कि जब सारा मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा तो ये यहाँ से रीनल पोर्शन में चला जाएगा रीनल पेल्वस में एंटर हो जाएगा ठीक है किडनी के अगर आप पोर्शन को याद करें जो लाइक स्ट्रक्चर था वहां से वो तमाम मटेरियल ब्लैडर में चला जाएगा और ब्लैडर जो है आपको पता है कि वो क्या करता है यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेता है और इस वक्त हमारे पास जो मेटीरियल ब्लैडर में पहुंचा होगा ठीक है उसने एक्चुअली में यहाँ से क्या होना है उसकी एक्सक्रीशन होनी है उसने यहाँ से रिमूव होना है और रिमूव होने वाला मटेरियल क्या है दैट इज यूरिन जो कि टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और वहां से जो है वो उसका फिर एग्जिट हो जाएगा यानी वो रिमूव हो जाएगा तो दिस वॉज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ किडनी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं ओके okay, बेटे अल्लाह हाफिज